हेलो स्टूडेंट, आज इसमें लीनियर रिग्रेशन में एग्जांपल ले रहे हैं। बोला गया फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 24, वाई बार इज इक्वल टू 49, आर इज इक्वल टू 94.94, एस वाई इज इक्वल टू 12, एस एक्स इज इक्वल टू 10। सेकेंड पॉइंट में एक्स बार इज इक्वल टू 39, वाई बार इज इक्वल टू 72, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 32 एंड एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 121। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए आएंगे हम लोग। तो इसमें जो है फर्स्ट लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन dy x is equal to r s y upon s x. R is equal to 0.94, s y is equal to 12, and s x is equal to 10. That means 0.94 into 1.2. तो 0.94 का 1.2 करेंगे तो आएगा 1.12 8, that is our dyx. Then after constant a is equal to y bar minus dyx x bar. Now y bar is given 49, dyx is equal to 1.128 and x bar is equal to 24. So 49 माइनस इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 27.07। माइनस कर देंगे 49 में से तो आ जाएगा 21.9। अभी रिग्रेशन लाइन आएंगे तो y cap is equal to a plus bx, इसमें वैल्यू रख देंगे a की 21.93, x की वैल्यू b की वैल्यू रखेंगे 1.128 x। सेकंड में आएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में बी वाई एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये दिया गया है, तो सी ऑफ बी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एक्स, तो 32/121 तो मेरा 0.26। कॉन्स्टेंट आएंगे a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार है 72, बी मिला 0.26, एक्स बार 39, तो 0.26 इंटू 39 इज इक्वल टू 10.14। माइनस कर देंगे 72 में से मिलेगा 61.86। लाइन आएंगे y cap is equal to a plus b x, वैल्यू रख देंगे 61.86, b की रखेंगे 0.26, तो हमको सेकंड वाले की लाइन मिल जाएगी।